नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम JVM डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वाजीकरण द्रव्यास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। वाजीकरण, जिस औषध व आहार विहार से व्यक्ति में अश्व के समान मैथुन सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उसे वाजीकरण कहते हैं। इसकी तीन श्रेणियां बताई गई हैं, शुक्र जनन एवं प्रवर्तक। शुक्र जनन जो है, जैसे घृत, दुग्ध, मांस, शतावरी, ये सभी शुक्र जनन का कार्य करते हैं। शुक्र प्रवर्तक मांस, क्रौंच, अकरकरा, मध्य, धतूरा, स्त्री स्पर्श, ये सभी शुक्र प्रवर्तक होते हैं। एवं कुछ औषध जो हैं, ये शुक्र जनक भी होती हैं, प्रवर्तक भी होती हैं, जैसे कि भांग, गांजा, कुचला, कस्तूरी, सालम मिश्री। अगर हम वाजीकरण जो है इसकी व्युक्ति देखें तो वज गतो धातु से वजन, वजन से वाज शब्द बना है। वाज जो है यह शुक्र का वेग, एवं वाजी शुक्र वेग संपन्न। अगर हम इसके पर्याय देखें तो वाजीकरण भैषज का ही एक प्रकार है, इसलिए चिकित्सा के पर्याय इसके भी पर्याय हैं, जैसे औषध, व्याधिहर, भैषज, प्रशमन, साधन, पथ्य, हित, प्रकृति स्थापन, चिकित्सित, ये सभी इसके पर्याय बताए गए। अन्य पर्याय जो है वृष्य, ओजस्कर, ऊर्जस्कर, कामोत्तेजक, पुंसत्व, वाजीकरण आदि। वाजीकरण का प्रयोजन और फल देखें तो अल्प, दुष्ट, क्षीण वीर्य पुरुषों के लिए वीर्य की वृद्धि, शोधन एवं पोषण के लिए चिरकाल तक संभोग के लिए, वंश की वृद्धि के लिए जो है वाजीकरण सेवन बताया गया है। इसके अलावा बल, वीर्य, पराक्रम की वृद्धि के लिए, अच्छे गुण वाली संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सौंदर्य एवं कांति के लिए, शारीरिक या मानसिक क्लेश से पीड़ित व्यक्ति में मैथुन से उत्पन्न क्षीणता को दूर करने के लिए, मैथुन के साथ शिशु उत्तेजना व काठिन्य बढ़ाने के लिए, अश्व के समान मैथुन शक्ति में संवर्धन के लिए। वाजीकरण के योग्य पुरुष अगर हम देखें तो जितेंद्रिय, काम सुखार्थी, वीरवर्धनार्थी, पुत्रार्थी वृद्ध, अश्ववत मैथुनार्थी, इच्छानुसार स्त्रीगमनार्थी, संभोगक्षीण, वृद्ध, नपुंसक, अल्पवीर्य, धनवान, विलासी मनुष्य, बहुस्त्री, संतनार्थी वृद्ध, स्तंभनार्थी, बल वर्ण स्वरार्थी एवं 16 से 70 वर्ष की आयु, यह सभी को वाजीकरण के योग्य बताया गया है। अगर वाजीकरण के अयोग्य देखें तो 16 वर्ष से कम आयु वाले एवं 70 वर्ष से अधिक आयु, चिंता, साहसिक कार्य, रोग से पीड़ित, अजितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और साधु, इनको वाजीकरण के अयोग्य कहा गया है। अगर हम वाजीकरण औषध द्रव्य देखें तो जो द्रव्य मधुर, गुरु, स्निग्ध, ब्रह्मण, मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं, वे सभी द्रव्य वाजीकरण द्रव्य हैं। निम्न प्रकार से, जैसे कि शुक्रल वर्ग अगर हम देखें तो जीवक, ऋष्भक, काकोली, शीर काकोली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, मेधा, विधारा आदि शुक्रल बताए गए हैं। जीवनीय गण जो है जीवक, ऋष्भक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, जीवंती, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, मुलैठी एवं भ्रंगणी अगर वर्ग देखें तो अश्वगंधा, विदारी कंद, क्रोच बीज, काकोली, शीर काकोली। शुक्रल व वाजीकरण में कौच बीज, विदारी कंद, सालम मिश्री, जायफल, जावित्री, स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, उड़द आदि। वीर्यवर्धक अगर हम देखें तो इसके अंदर सेमल मूल, सेमल जो गोंद, मुसली, चिरौंजा, ताल मखाना, मुक्ता, प्रवाल, सिंघाड़ा, ये सभी वीर्यवर्धक होते हैं। कामोत्तेजक में कुचला, धतूरा, भांग, गांजा, प्याज, अकरकरा, कपूर आदि ये कामोत्तेजक हैं।
वाजीकरण का अगर पूर्व कर्म देखें तो संशोधन कर्मों से शरीर की सम्यक शुद्धि करने के बाद वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। मैथुन के पश्चात कर्म जो है, मैथुन के पश्चात जननेन्द्रियों का प्रक्षालन करके गौ दुग्ध का सेवन कर पुनः सो जाना चाहिए। प्रशस्त शुक्र के लक्षण अगर हम देखें तो यह स्फटिकाभ, द्रव, स्निग्ध, मधुर, मधुगंधी, तेल शौद्र निभम बताया गया है। स्निग्ध, मधुर, मधु के समान गंध वाला तेल और शौद्र जो है ये मधु के लिए आया है, अर्थात तेल व मधु के समान द्रव को शुद्ध शुक्र कहते हैं। इन गुणों से युक्त शुक्र गर्भाधान योग्य कहा गया है। शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण होते हैं, जैसे कि हर्ष, शिशुनोत्थान, वर्ष जो है, संभोग की प्रबल इच्छा एवं तर्ष जो है, हर्ष एवं सेकंड है तर्ष, वीर्य का द्रवणशील होना सरत्व, वीर्य का पिच्छलता होना, वीर्य की गुरुता एवं वीर्य का अणुत्व जो है सूक्ष्मत्व, प्रणव भाव जो है बाहर निकलने की प्रवृत्ति एवं वायु का शीघ्रगामी होना। शुक्र प्रवृत्ति के लिए शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण बताए गए हैं। अगर वाजीकरण द्रव्य देखें तो औषध द्रव्य के अंदर जैसे जीवक, ऋषभ, काकोली, शीर काकोली, मेधा, महामेधा, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, अश्वगंधा, शतावरी, क्रौंच बीज, विदारी कंद, मूसली, मुलैठी, जीवंती, वंशलोचन, अफीम, भांग, गांजा, कुचला, करकरा, विदारा, शिलाजीत आदि औषध द्रव्य हैं। अगर हम अन्न देखें तो गेहूं, उड़द, लहसुन, प्याज, हरहर, अरहर औषध। जो मांस है इसमें मुर्गा, शूकर, बकरा, मछली का मांस, मछली का तेल आदि। गौरस में अगर देखें तो दूध, दही, घृत, मलाई, दूध से बने पदार्थ, मक्खन आदि वाजीकरण द्रव्य बताए गए हैं। फल अगर देखें तो अंगूर, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, काजू, बादाम, खजूर, छुआरा, पिस्ता, सिंघाड़ा, शकरकंद, केला, आम ये वाजीकारक होते हैं। रस एवं भस्म जो है इसमें स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण बसंत मालती, वंग भस्म, लोह भस्म, प्रवाल पिष्टी। गंध द्रव्य अगर देखें तो इलायची, लौंग, जावित्री, जायफल, कपूर, दालचीनी, शीतल चीनी, केसर, कस्तूरी, जुन बदस्तर जो है ये गंध द्रव्य बताए गए हैं। अगर वाजीकरण योग देखें तो चूर्ण में जैसे शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, शतावरी चूर्ण 5 ग्राम प्रातः शाय दूध से, अश्वगंधा आदि चूर्ण 5 ग्राम प्रातः शाय दूध से, नारसिंह चूर्ण 5 ग्राम प्रातः शाय दूध से, वटी देखें तो चंद्रप्रभा वटी में 2 वटी प्रातः शाय दूध से, मकर ध्वज वटी 1 वटी प्रातः शाय दूध से, मदन मंजरी वटी 2 वटी प्रातः शाय दूध से। अगर हम रस औषध देखें तो रस सिंदूर 125 mg मधु के साथ शाय को प्रातः शाय, मकर ध्वज 125 mg मधु से प्रातः शाय, सिद्ध मकर ध्वज 100 mg मधु के साथ प्रातः शाय, नवजीवन रस 1 वटी प्रातः शाय दूध से, पुष्प धनवा रस 1 वटी प्रातः शाय दूध से, मनमंथ रस 1 वटी प्रातः शाय दूध से, कामिनी विद्रावण रस 1 वटी रात्रि में दूध के साथ में। अगर हम तेल देखें तो श्री गोपाल तेल जननेन्द्रिय पर अभ्यंगार्थ, पाक और अवले, च्यवनप्राश जो है 10 ग्राम प्रातः शाय दूध से, मदनानंद मोदक जो है 5 ग्राम प्रातः शाय दूध से एवं घृत जो है कामदेव घृत 10 ग्राम प्रातः शाय दूध से बताया गया है। नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर, डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवाहुक। अवाहुक वी कैन कोरिलेट अवाहुक विद पैरालिसिस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इन मॉडर्न साइंस और इन मॉडर्न साइंस एस्पेक्ट। First of all, we will talk that what is Nidana according to
आयुर्वेदा ऑफ अबाहुक। अबाहुक जो है इसको अलग अलग आयुर्वेद जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों में आयुर्वेद से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर इसके अलग अलग प्रकार के जो हैं कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं। जैसे अबाहुक जो है इसका उल्लेख जो है वात व्याधि के अंतर्गत आया है। तो मेन इसका जो अगर हम कारणों के अंदर माने तो वात दोष जो है वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वात दोष वर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से अबाहुक जो है रोग की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर जैसे अगर हम वात वर्धक आहार विहार कहें, तो अगर हम वात वर्धक आहार देखें तो जिस प्रकार रुक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार सेवन, या फिर असात्म्य आहार का सेवन, या कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सेवन, विषम आहार सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन और अध्यसन, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार, खर अर्थात कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमाशन, या फिर अगर हम निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है अत्यधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन जो है, कष्टदायक शैया पर बैठना, अति उच्च अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्ययन, अधि धावन, अभिघात, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न, दिवा शयन, अति भार वहन, इस प्रकार जिस प्रकार अगर हम विशिष्ट निदानों की बात करें तो किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी प्रकार के जैसे रस रक्तादि दांतों का क्षय होना किसी भी कारण से, दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्ग अवरोध होना, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आम्रस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग, इसी प्रकार जैसे अन्य निदान है रक्त धातु का निर्हरण या फिर मर्म स्थानों पर आघात, पुरीष का क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में अस्वाभाविक जो है स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, दिन और रात्रि के तृतीय भाग में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है, अन्य के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप, इस प्रकार के जो हैं वात दोष कारक जो आहार हैं एवं विहार हैं, या फिर जैसे गर्दन में आघात लगना, या फिर अंश संधि जो है उसका विश्लेष हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, या फिर जैसे अक्षकास्थि जो है क्लेविकल का भग्न हो जाना, या फिर ट्यूमर के कारण, या जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में आघात होकर के पैरालिसिस उत्पन्न हो जाना, इन सभी निदानों के कारण जो है अवबाहुक रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अवबाहुक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे अंश संधि जो होती है, यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ की सिराओं में संकोच होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, या फिर जिस प्रकार जो हस्त की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज अवबाहुक, या बाहू में शोष हो जाना, एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ आर्म, इसे जो है इस प्रकार के लक्षण जो है अवबाहुक रोग में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो जैसे नस्यकर्म है, या फिर स्नेहपान है, या स्नेहपान के पश्चात भोजन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, और जो है जैसे स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। विशेष रूप से अगर हम जैसे हमारे जो है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर कहा है, अंश मूल स्थितो वायु शिरा संकोच्य तत्रगा प्राहु बाहुर प्रस्पंदित हरम जन्यति अवबाहुकम्। अर्थात अंश मूल स्थितो वायु, ये जो निदान है वातवर्धक आहार विहार इनका सेवन करने की वजह से अंश मूल में जो स्थित वायु होती है वो वहाँ के शिराओं का संकोच कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो चेष्टा होती है बाहु प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम्, वहाँ की जो चेष्टा होती है उसका नाश हो जाता है, यह जो कंडीशन होती है इसको अवबाहुक कहते हैं। इसी क्रम के अंदर आचार्य वाग्भट ने इसके चिकित्सा के लिए कहा है, अवबाहो हितम नश्य स्नेहश्च उत्तर भक्तिकम्,
ठीक है, यानी अवाहुक का जो रोगी है, जिसको जो अवाहुक से ग्रसित है, उसके लिए नस्य कर्म जो है वह हितकारी है। और यहाँ स्नेह पान के पश्चात इन्होंने भोजन का जो है विधान बताया है, इन्होंने स्नेह पान के पश्चात भोजन सेवन का के लिए कहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो है, जैसे शास्त्रोक्त जो ये चिकित्सा उपक्रम यहाँ बताया है, इसी के अंदर उन्होंने कहा जैसे जो वात व्याधि कारक जो योग हैं, या फिर जो आसव अधिष्ट हैं, या जो चूर्ण रस भस्म वटियाँ ये हमारे यहाँ बताई गई हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वात गजांकुश, महावात गजांकुश रस, वतारी रस, वात विध्वंसन रस, रस राज रस, और जैसे चूर्ण है तो अश्वगंधा चूर्ण, या जो है एक पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, या फिर महारासनाधिक्वात, रासना सप्तकवात, रासना दशमूलकवात, माश बलादिक्वात, या फिर अगर हम तेल के प्रयोग करें तो जैसे रशोन तेल या बला तेल, अश्वगंधा तेल, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोगार्थ जैसे प्रसारणी तेल है का प्रयोग कर सकते हैं, या पेशेंट को जो है महानारायण तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस प्रकार से जो है इसके अंदर चिकित्सा उपक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे घृत तेल की बात करें तो जैसे दशमूलाद्य घृत है, चित्रकाद्य घृत है, चतुस्ने, और जो है गुग्गुल की बात करें तो जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, और च्यवनप्राश, इस प्रकार से जो है प्रयोग यहाँ पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदानुसार जो है अवाहुक का चिकित्सा किया जाता है। इसी प्रकार जो है पेशेंट को व्यायाम जो है एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए, स्पेसिफिक शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए, और पथ्य का पालन करना चाहिए। थैंक यू। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।